हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल पिला माने। आज आम मैंने क्लास सेवेन्थ इंग्लिश रीडर बुक रो पार्ट टू लेसन टू रो फॉलोअप लेसन आज पढ़ा विषय ना हूँ ए टीनी वारियर। टीनी कहले ए कहले गोटे, टीनी कहले छोट, वारियर कहले योद्धा, गोटे छोट योद्धा विषय आज आम मैंने पढ़ा। ठीक अच्छे, तापूर्वर कह रखे पे जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, पाखर थोड़ा बेल आइकन को प्रेस कर दिया ताकि मोर समस्त वीडियो नोटिफिकेशन तुम मानक सर्वप्रथमे पहुंची पार। पे चल लेंट नक विषय टी स्टार्ट करवा। वन्स इवनिंग मितु एंड सीतु टू सिस्टर्स वेयर स्टडिंग इन देयर रूम। दिने संध्या रे मितु आउ सीतु दुई भौणी तांको सेमानंकर रूम रे बसी पढ़ुथिले। मितु स्टडीज इन क्लास सेवेन्थ एंड सीतु इन क्लास फाइव। मितु पढ़ुथिला को क्लास रे ना सप्तम श्रेणी रे पढ़ुथिला मितु एवं सीतु पढ़ुथिला पंचम श्रेणी रे। द टू सिस्टर्स वेयर स्टडिंग इन टू डिफरेंट स्कूल्स। दुई भौणी दुईटी भिन्न भिन्न विद्यालय रे पढ़ुथिले, अलग अलग स्कूल रे पढ़ुथिले। देयर अंकल मिस्टर गिरी वाज वाचिंग देम फ्रॉम ए लिटिल डिस्टेंस। He was a retired teacher. Their uncle, semanankara mamu, Mr. Giri, Sijukta Giri, was watching them from a little distance. Semananku alpa dururu dekhuthile, ko mananku mitu au sitaku situku alpa dururu dekhuthile ba chahuthile. He was a retired teacher, se thile jane abasara prapta shikshak. He had come to visit them he had come to visit them on a weekend. से कौन कर थिले ना जो वीकेंड कहले साप्ताहिक छुट्टी जोटा थाए। ठीक अच्छे, से छुट्टी रे से मानंकु घर समानक घर को आसी थिले बुलिबा पई। मिस्टर गिरी saw मितु रीडिंग वन पैराग्राफ फ्रॉम हर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, देन रीडिंग द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ इन ओडिया फ्रॉम ए बाजार नोटबुक बा मीनिंग बुक। ठीक अच्छे, से कौन देखिले मिस्टर गिरी बा सिजुक्त गिरी कौन देखिले ना, से देखिले कि मितु गोटे पाराग्राफ ता इंग्लीश बहर गोटे पाराग्राफ से कौटू पढ़ुला ता इंग्लीश बहर ही पढ़ुला। से कौन कला ना से जो पाराग्राफ रीनिंगटा से गोटे बाजार नोटबुक कहले बजार जो आम मीनिंग बुक गुड़ा मिलूची से बुक रु से तार ओडियाटा को पढ़ुला बा तार अर्थटा को पढ़ुला। ए सब माने एमती पढ़ुथबार किए देखिले श्रीजुक्त गिरी देखिले बा तार अंकल देखिले, कह मितुर अंकल देखिले। हुईच डिस्टर्ब हिम जोटा कि कौन करथला डिस्टर्ब कहले से मानको माने जोटा कि विचलित करथला। ठीक अच्छे, देन इफ चिल्ड्रेन स्टडी इंग्लिश लाइक दिस जदि पिला माने एइभली भाबरे इंग्रजी पढ़ंती दे विल नेवर लर्न इंग्लिश। ही थॉट से चिंता कले जे जदि एई भली पिला माने इंग्रजी पढ़िबे ताल से केबे भी इंग्रजी सिखि परिबे नहीं। द अंकल वाज ईगर टू हेल्प मितु लर्न इंग्लिश ऑन हर ओन विदाउट द हेल्प ऑफ दिस मीनिंग बुक। ये कौन कले तांकर मामु बा मितुर मामु इच्छा कले कि चाहिले मितु को साहाज्य करबा पई इंग्लिश सिखिबारे ताको साहाज्य करबा पई बिना माने बाजार नोटबुक जोटा मीनिंग बुक रो बिना सहायता रे ताको केमती इंग्रजी सिखेबे सेथि प्रति के भाबिले तांकर मामू भाबिले। ही केम क्लोज टू हर एंड आस्क्ड हर टू रीड। ही केम क्लोज टू हर से तार पाखा पाखी आसिले के तांकर मामू से मानक पाखो को आसिले मितु पाखो को आसिले एंड आस्क्ड हर टू रीड द फास्ट पाराग्राफ अफ द लेसन साइलेंटली। से कौन कहे येसन टी पाठटी नीरव नीरवतार सहित आर फास्ट पाराग्राफ को प्रथम पाराग्राफ को प्रथम अनुच्छेद को तुम्हें पढ़ो। द लेसन वाज द स्टोरी अफ क्रिकेट। लेसन टी पाठ्यक्रम टी कौन थी द स्टोरी अफ क्रिकेट, तार टाइटल थिला कौन द स्टोरी अफ क्रिकेट, क्रिकेट रोटे गप। द फास्ट पाराग्राफ वाज प्रथम पाराग्राफ टी हे द सेफ एंड साइज द
The shape and the size of the cricket ground are not fixed. Eti dela ki kono cricket ground koli khela padiya ra akara au akruti duita jako fix na thae fix nahi they are different se gudi ko bhinna achi. The cricket ground of Melbourne in Australia is bigger than that the Firoz Shah Kotla in New Delhi. ठीक अच्छे ऑस्ट्रेलिया रे जो मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड अच्छी मेलबोर्न खेल पड़िया टी अच्छी सेटा बिगर कहाँ ठरू अपेक्षाकृत बड़ कहाँ ठरू फिरोज शाह कोटला इन न्यू दिल्ली रे जो न्यू दिल्ली रे जो फिरोज शाह कोटला नामक गोटे क्रिकेट ग्राउंड अच्छी खेल पड़िया अच्छी ता अपेक्षा मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड हूँ बिगर मानने अपेक्षाकृत बड़ सिमिलरली से भाव The shape of Chepuk Cricket Ground in Chennai. Chennai रो जो cricket ground टी अच्छी तारा नाम होची Chepuk Cricket Ground. ठीक अच्छी. Is circular. सेटा होची circular. Circular कहिले कौन? गोलाकृति. अमर कौन? Chennai रे जो अमर खेला पड़िया टी अच्छी जो Chepuk Cricket Ground टी अच्छी सेटा होची कौन? गोलाकृति. बस circular. But the Adelaide Cricket Ground in Australia is oval. Australia रा आगोटे cricket ground अच्छा Adelaide Cricket Ground सेटा होची oval. Oval कहिले कौन? अंडाकृति. ठीक अच्छी? Oval कहिले अंडाकृति. पिला मने वर्तमान आमे मने एही विषय रा कष्ट शब्द गुड को जानि नबा. टिनी टिनी कहिले छोट बा सान. वारियर कहिले योद्धा. लिटिल डिस्टेंस कहिले अल्प दूररु. रिटायर्ड कहिले अवसर प्राप्त. वीकेंड कहिले सप्ताहर शेषरे बा सप्ताहर शेष दिन नेक्स्ट सॉरी टेक्स्ट बुक कहिले पाठ्यपुस्तक डिस्टर्ब कहिले विचलित ईगर कहिले आग्रही शेप कहिले आकृति साइज कहिले आकार सर्कुलर कहिले गोलाकार ओवल कहिले अंडाकृति ठीक अछि देन आमे माने कंप्रेशन क्वेश्चंस डिस्कशन करबा देखो पिला माने प्रथम क्वेश्चन दि होची Who are there in the paragraph 1? Paragraph 1 रे, ASGP 1 रो paragraph 1 रे, के की अच्छंती? There are Mitu and Situ and their uncle in paragraph 1. Second question, Who are Mitu and Situ? Mitu आउ Situ की है? अटंती? Mitu and Situ are two sisters. Next, Who visited them on a weekend? सप्ताहांतरे समानों को की भेटिबो को आसी थिले? Their uncle visited them on a weekend. Then fourth number, what was Mr. Giri? Mr. Giri was Srijukta Giri kiye thile. Mr. Giri was a retired teacher, se jane abasara prapta shikshaka thile. Then fifth number, what did Mr. Giri see? Srijukta Giri kon dekhile? Mr. Giri saw Mitu reading one paragraph from English textbook and then reading the meaning of the paragraph. फ्रम द बाजार मिनिंग बुक बा बाजार नोटबुक से कौन देखिले ना मितु कौन कला ना तार इंग्लीश टेक्स्ट बुक रु किछ गोटे पाराग्राफ पढ़िला एवं तार अर्थ को मिनिंग बुक रु देखिकी पढ़िला ठीक अछि देन सिक्स नंबर व्हाट वाज मितु रीडिंग मितु कौन पढ़ुथला मितु वाज रीडिंग ए पाराग्राफ फ्रम इंग्लीश टेक्स्ट बुक तार पाठ्यपुस्तक रे जो पाराग्राफ थिला से को पढ़ुथला देन Why was her uncle disturbed तारो uncle बा मामू कहीं की विचलित हुई गले Her uncle was disturbed because Mitu was reading the meaning of paragraph from bazar notebook से कौन देखी विचलित हुई गले कारण मितु कौन कर थला ना meaning book रु देखी की meaning टा पढ़ थला ठीक अछि Then what did his uncle ask her ताकु तारो मामू कौन कहिले हर अंकल आस्क्ड हर टू रीड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन साइलेंटली से कौन कहिले तो लेसन रो फर्स्ट पैराग्राफ टी तू नीरबरे पढ़ ठीक अछि देन व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द लेसन सही लेसन रो बा सही पाठर टाइटल टा नामटा कौन थिला द लिटिल द टाइटल ऑफ द लेसन वाज द स्टोरी ऑफ क्रिकेट कौन थिला से टाइटल टा द स्टोरी ऑफ क्रिकेट देन 10 नंबर व्हाट वाज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन अबाउट प्रथम पैराग्राफ रे को विषय अछि द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन वाज अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ क्रिकेट ग्राउंड से जो लेसन टा से पढ़ुथला से जो पाठटा पढ़ुथला से को विषय थिला फर्स्ट पैराग्राफ रे ना क्रिकेट रो क्रिकेट ग्राउंड कहले खेल पड़िया रो ठीक अछि क्रिकेट ग्राउंड रो
शेप आउ साइज कहले आकार आउ आकृति विषय रे थिला। देन लास्ट नंबर, हाउ इज दिस पैराग्राफ इन योर इंग्लिश बुक डिफरेंट फ्रॉम द पैराग्राफ इन मीनिंग बुक। माने तुमर जो इंग्लिश बुक रो इंग्लिश बुक आउ मीनिंग बुक मध्य रे फरक कोन पार्थक्य कोन। दिस पैराग्राफ ऑफ द इंग्लिश बुक इज रिटन इन इंग्लिश। इंग्लिश बुक रो पैराग्राफ गुड़ी को इंग्रजी रे लिखा अछि। बट द पैराग्राफ ऑफ मीनिंग बुक इज रिटन इन ओडिया लैंग्वेज। किंतु मीनिंग बुक रो कोन अछि ना ओडिया लैंग्वेज रे लिखा अछि। ठीक अछि, आशा करू छी पिला माने ए विषय टी को तुम माने बहुत भलो भाबे बुझि पारथिबो एवं क्वेश्चन आंसर सब भलो भाबे बुझि पारथिबो। जदि भिडियोटी तुमको भल लागिला भिडियो रे गोटे लाइक कर, भल भल कमेंट्स कर एवं सांग मानक सहित भिडियोटी को बहुमात्रा रे शेयर कर। थैंक यू।